दोस्तों, तो अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं सबसे पहले उन सब के सवाल को जवाब देने के लिए हम सबसे पहले जो चीज डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ये है व्हेन अ मेटल, ठीक है, व्हेन अ मेटल रॉड वायर और प्लेट इज डिप्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। When a metal rod or plate or wire is dipped in an aqueous solution of its own iron, there occurs an oxidation or reduction. Due to which a potential difference is developed between the metal electrode and the solution on interface. Or the surface of metal. तो कोई एक मेटल रॉड वायर या फिर प्लेट को अगर मैं उसी का कोई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप करता हूं तो वहां पर एक ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस करता है जिस कारण पे जो रॉड और सॉल्यूशन का इंटरफेस है या फिर सरफेस ऑफ द मेटल जिसको हम बोल सकते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इट बेसिकली मेजर्स द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, it basically measures the tendency of to lose or gain electron when the electrode is dipped within its solution. अच्छा, दो टाइप के मेटल होते हैं, एक टाइप का है जिंक, एक टाइप का है कॉपर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक्टिव मेटल एक इनएक्टिव मेटल। 10th में पढ़ाया गया था, कुछ में एसिड डालने पे हाइड्रोजन निकलता है और कुछ में एसिड डालने पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारा निकलता नहीं है। So, अगर मान लो हमारे पास एक कंटेनर के अंदर हम डाल देते हैं ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम डालते हैं एक
जिंक रॉड, उसके अंदर हम डालते हैं जिंक रॉड, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही यहां का जिंक और यहां का Zn2+ आयन कॉन्टैक्ट में आता है, यहां का जिंक और यहां का Zn2+ आयन कॉन्टैक्ट पे होता है, तो Zn सॉलिड यहां पर खुद कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन में। Zn2+ जो है वो हमारा चला जाता है, दिस इज अ टू सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज टू द सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्यूमुलेटेड, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द रॉड। सो ये वाला रॉड जो होगा, रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, द रॉड इन दिस क्वेश्चन हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। इस पूरे रॉड में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एक्युमुलेट होने वाला है, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, सो द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोड से तार बाहर निकल रहा है, अभी किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। सो ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो दूसरे बाजू में मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पर जो है दैट इज अ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, एंड विद इन दैट वी हैव डिप्ड अ कॉपर रॉड, विद इन दैट वी हैव डिप्ड अ कॉपर रॉड। So what happens is, जो सॉल्यूशन का कॉपर प्लस है, जो सॉल्यूशन का कॉपर 2+ है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉपर सॉलिड पे, एंड दिस कॉपर सॉलिड 2 रॉड, ठीक है। एंड इसी के कारण बहुत सिंपल सी बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, तो रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये वाले केस पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हुआ था, एंड ये वाले केस पे इलेक्ट्रॉन इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द रॉड, एंड द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस हियर इज नथिंग बट अ रिडक्शन। इस कारण पे बेसिकली हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा क्रिएट हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब डिफाइन होगा, जब हमारा कोई भी चीज को हम डिप करेंगे उसी के खुद के आयन के अंदर, तब इंटरफेस में जितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, द एब्सोल्यूट
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखो पोटेंशियल के लिए हम जानते हैं जो कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर ही नहीं सकते हैं, तो वी कैन ओनली कंप्यूट ठीक है वी कैन ओनली कंप्यूट द रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। अच्छा ये वाला एक पूरा तो सेल नहीं है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे हाफ सेल्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे हाफ सेल्स। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज अ मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इज अ मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड That is also written as SHE, whose potential is taken as zero, whose potential is taken as yani assigned as equals to zero. ठीक है? There are two types of potential ठीक है। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब हम डिसाइड कब हम किस चीज के लिए करेंगे, अगर मान लो कोई भी एक सब्सटेंस मान लो XA प्लस ये दे रहा है XB प्लस प्लस सम N इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल विल बी कंसिडर्ड एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज रिटन एज आरपी एक्स ए प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड गिव्स एक्स बी प्लस, तो सिंपल सी बात है पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल।
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, हम करते हैं ई ओपी और इसको हम लोग लिखते हैं ई आरपी। फॉर कोई भी जनरल हाफ सेल सिंपली व्हाट यू कैन राइट इज EOP is equals to minus ERP. EOP is equals to minus ERP. That's the way we can write. अच्छा, पोटेंशियल के बारे में एक और चीज जो है वो हम साफ साफ लिख सकते हैं और वो ये है E is always an intensive property. E is always an intensive property. Right. E हमेशा हमारा एक intensive property होने वाला है, यानी potential जो है does not depend upon number of electrons involved. ठीक है, it does not depend upon the number of electron involved, right? Okay, दोस्तों, तो अब हम लोग जो अपना पुराना बेसिक क्वेश्चन था उस पर वापस जाते हैं। तो मान लो दी लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट, यहां वाला द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट आर जॉइंट बाय अ वायर एक्सटर्नली। सो ध्यान दो, Zn rod is electron rich and copper rod is electron deficient. Zinc rod जो है वो हमारा electron rich है और जो हमारा copper rod है वो हमारा electron deficient है। तो सिंपल सी बात है, हम ये बोलेंगे जो कॉपर रॉड इज एट अ हायर पोटेंशियल, कॉपर रॉड इज एट अ हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द जिंक रॉड। And as soon as we connect the two on connection, electron flows from Zn rod to copper rod. And जिस कारण पे करंट I इज obtained and बल्ब glows, करंट I इज obtained and hence the बल्ब glows, right? So हो क्या रहा है समझो, यहां पर है मेरा Zn rod और यहां पर है मेरा कॉपर रॉड, ठीक है, यहां पर है हमारा दोनों सॉल्यूशन
और यहां पर है, तो दिस इज Zn, दिस इज Zn SO4 aqueous, this is a copper solid, this is a copper sulfate aqueous, and when we connect the two, bulb hamara us karan pe jal gaya, electron yahan se yahan flow kar raha hai. And according to our convention, the direction of current, the direction of current yahan par hai. The direction of current is taken opposite from the direction of the flow of electron. So I flows from copper rod to zinc rod. And what is the responsible reaction for the current flow? Zn solid plus copper 2 plus aqueous effectively is giving us Zn 2 plus copper aqueous प्लस कॉपर सॉलिड. सिंपली इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो. इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटेगा. वी विल गेट दिस रिएक्शन. सो दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी, this spontaneous chemical energy is converted, chemical reaction energy bolna chahiye beta, is converted into electrical energy. So that's the reason why this thing ग्लोस, बल्ब हमारा ग्लो क्यों करता है, उसका जवाब जो है वो हमें यहां पर मिल चुका है. उसका रीजन है हमारा दोनों प्लेट के बीच में डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो अब यहां पे लोगों में सवाल उठा जो फिर बंद क्यों हो जा रहा है. अच्छा, अगर हम गौर से ध्यान दें, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन में भर भर के Zn2+ आएगा, लेकिन उसको खत्म करने के लिए कोई करस्पॉन्डिंग एनायन तो है नहीं. तो ये वाला सॉल्यूशन पे अगर हम गौर से ध्यान दें तो Zn2+ का एक्यूमुलेशन होगा, और ये जो Zn2+ है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दिस वन एक्चुअली अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. द सॉल्यूशन इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. हमारा जिंक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, बट जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो खुद हमारा पॉजिटिवली चार्ज बन जा रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन को ये Zn2+ अपने तरफ वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अपने तरफ खींचेगा. या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये Zn2+ यानी पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस सॉल्यूशन में नया पॉजिटिव चार्ज को रिपल करके अंदर वापस डाल देगा, यानी नया पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन जो है वो विगोरसली यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन का ऑलरेडी Zn2+ है वो अपोज करने वाला है. ऑन द कंट्री, जो इलेक्ट्रॉन का सिंक है यानी जहां पर जा रहा है, कॉपर 2+ कंज्यूम हो रहा है, सल्फेट पर तो हाथ नहीं लग रहा है. तो ध्यान देना, यहां पर नेगेटिवली चार्ज सल्फेट का
एक्यूमुलेशन होगा एंड एक्चुअली जो सल्फेट का एक्यूमुलेशन है तो दिस वन एक्चुअली रिपेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर खत्म करने के लिए तो हमारे पास कोई भी चीज नहीं है और कोई भी चीज नहीं होने के कारण ठीक है हमारा सल्फेट यहां पर एक्यूमुलेट होगा तो आता हुआ इलेक्ट्रॉन को वो अपोज करेगा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन दूसरा कॉपर 2 प्लस को अपने तरफ ही खींच कर रखेगा, उसको रॉड की तरफ जाने नहीं देगा। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन अ रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, और जब ये फॉरवर्ड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तो इवेंचुअली करंट स्टॉप्स, ठीक है। सो इवेंचुअली द करंट स्टॉप्स एंड तो वो जो सवाल था उस सवाल का जवाब हम लोग अब दे चुके हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बेसिक चर्चाएं जो है वो हम लोग यहां पर कर चुके हैं, राइट? ओके दोस्तों, सो अब हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन इन अ सेल और अ हाफ सेल, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है वो रिएक्शन है Zn2+ प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड गिव अस Zn2+ प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ रिएक्शन दैट इज टेकन प्लेस, ठीक है। तो मान लो एक काम करते हैं, इन मोल्स ऑफ जिंक हैज बीन कन्वर्ट, मैंने एक मोल लेते हैं, ठीक है, एक मोल ऑफ जिंक, वन मोल ऑफ जिंक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू Zn2+, मान लेता हूं। अच्छा, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुआ है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Zn सॉलिड एंड Zn2+ एक्वस can be written as E oxidation potential. There is a potential difference between them, right? तो obvious सी बात है, ये जो potential difference है, ये potential difference ही तो responsible है. This potential difference is nothing but the responsible for इलेक्ट्रॉन फ्लो, दैट इज डेफिनेटली व्हाट आई कैन राइट, ओके। सो ये अगर मेरा रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, तो ध्यान दो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ईओपी, तो जो हमारा वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू द चार्ज माइनस ई इंटू ईओपी, वर्क डन, दिस इज द वर्क डन ऑन वन इलेक्ट्रॉन बाय द हाफ सेल, राइट? दैट इज व्हाट आई कैन राइट। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ईओपी,
तो वर्क डन ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equals to Avogadro number into minus E. EOP. So that will be equals to 6.02 into 10 to the power of 23. 1.6 into 10 to the power of minus 19. And this will be approximately minus 96500 into EOP. Right. So, यहां पर अगर हम ध्यान दें, this is called 1 Faraday. ठीक है? और रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली एफ. तो ये वाला हाफ सेल का जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ इनटू ईओपी ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो है मैं अगर जिंक के बारे में देखूं तो 1 मोल जिंक 1 मोल जिंक दैट इंप्लाइज 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन. तो मेरे पास सिंपली जो नेट डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 into F into EOP. राइट, समझ में आया? 2 मोल के लिए ये हमारा वर्क होगा. अच्छा, इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन जनरल फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा इस वाले साइड पर वर्क होगा That will be simply minus NF into EOP. That is what we can write. But ध्यान देना, ये जो work है, this is maximum available non-PV work, and by definition that will be equals to delta G. तो oxidation वाले half पर मेरे पास आ जाएगा delta G oxidation will be minus NF into E of oxidation. अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ध्यान दूं, फॉर रिडक्शन, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड and the solution can be written as ERP. तो delta G reduction जो हमारे पास आएगा that will be minus NF ERP. This is what we can write. This is what we can write. ठीक है? अच्छा, अब मैं यहीं पर एक nomenclature दे रहा हूं.
इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन हमारा काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनोड, एंड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज द एनोड, और जहां पर ये हो रहा है उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो बेसिकली Zn सॉलिड एनोड एंड कॉपर टू प्लस एक्वस दिस द कैथोड। ठीक है, ये एनोड है और ये वाला जो है वो हमारा कैथोड है। राइट, अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा डेफिनेटली एडिटिव प्रॉपर्टी एक्सेल के अंदर हमारा फॉलो करने वाला है। तो ध्यान देना, एनोड और कैथोड ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ईओपी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ईआरपी। देयरफोर ए सेल will be equals to EOP of anode plus ERP of cathode. That is what we can write. E cell will be EOP of anode and ERP of cathode. Right? E cell will be written as EOP anode plus ERP of cathode. ठीक है, and that can be also written as, क्योंकि हम जानते हैं, that can be written as EOP of anode minus EOP of cathode. and इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, this is ERP of cathode minus ERP of anode. ये है मेरा ई सेल का डेफिनेशन। तो सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने हाफ सेल के लिए किए थे। तो ध्यान दो, हमारे पास क्या आ गया था, Zn सॉलिड gives Zn 2 plus, ये मान लो हमारे पास एक मोल था, मान लो एक मोल था ये, तो इसका जो डेल्टा G1 होगा वो कितना होगा, डेल्टा G1 कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2 इंटू F इंटू E OP। On the other hand, copper 2 plus aqueous plus 2 electron minus 2 into F ERP. ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बैलेंस्ड आउट होना चाहिए, एंड इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Zn plus सॉलिड कॉपर 2 plus एक्वस
Zn2 plus aqueous plus a copper solid. ये पूरे रिएक्शन का अगर मैं बात करूं, डेल्टा जी सेल विल बी डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, क्योंकि डेल्टा जी को तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 2 इंटू एफ इंटू ई ओपी प्लस ई आरपी. सो व्हाट आई कैन राइट इज डेल्टा जी सेल विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल. पूरा सेल के लिए हम डेफिनेटली ये चीज जो है वो हम लिख सकते हैं यहां पर. एन एफ हमारे पास क्या है, एक फराडे, ठीक है. एन जो है दैट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड. तो ये हो गया मेरे पास डेल्टा जी सेल का वैल्यू. सो हमारा कोई एक सेल का वर्कडन या हाफ सेल का वर्कडन जो है वो हम लोग देख सकते हैं साफ साफ. अच्छा, बाय द वे, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बट डेल्टा जी सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा ई सेल है वो कितना मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उस पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. अच्छा, ई सेल ऑफ टू डिफरेंट सेल्स नीड नॉट बी एडेड ऑलवेज. दोनों सेल का ई सेल को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, बट डेल्टा जी कैन बी एडेड एज इट इज अ स्टेट फंक्शन, एज इट इज अ स्टेट फंक्शन. व्हाट आई मीन टू से, मतलब इसके मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो ध्यान दो. जो कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मान लो हमें दे रहा है कॉपर प्लस, ठीक है, सॉरी कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन सब माइनस इलेक्ट्रॉन, ये वाला ले लेते हैं. ये वाले का जो हमारा सपोज करो ये हमारा E1 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है मान लो वो है मेरा डेल्टा G1. ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मेरे पास है कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग मी कॉपर, इसका है E2 और ये डेल्टा G2 है, तो इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे अगर हम ध्यान दे, अगर हम ऐड करें तो उस पर ध्यान दे तो हमारे पास आ जाएगा कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर. तो इसका जो ई होगा दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, बट इसका जो डेल्टा जी होगा
दैट विल बी डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। इस हम डायरेक्टली ऐड अलग अलग रिएक्शन का, ये हम ऐड कर सकते हैं केवल और केवल दो हाफ सेल का, जो दोनों हाफ सेल हमारा ऐड हो रहा है, बट डेल्टा जी जो है वो हम हमेशा ही ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा एक स्टेट फंक्शन होने के कारण। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक हम लोग एक चीज देख चुके हैं, जो हमारा डेल्टा जी सेल होता है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ इन टू ई सेल। ठीक है, अच्छा, फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर हमें सेल को जो है वो स्पॉन्टेनियस बनाना है, देन डेल्टा जी सेल मस्ट बी लेस देन जीरो। बट ये वाला क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये वाला क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट ई सेल इज ग्रेटर देन जीरो, ई सेल इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, सिमिलरली जैसे डेल्टा जी के लिए हम बोलते हैं ई सेल इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज द इक्विलिब्रियम हैज अटेंड, इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा यहां पर अटेन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कुछ ये देख लेते हैं। सेल पोटेंशियल यानी ई सेल, अब्लिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस किस चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, किस किस चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या तुम सॉल्यूशन को एक लीटर लिए हो या दो लीटर लिए हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा लेंथ, थिकनेस, एरिया ऑफ प्लेट रॉड वायर, इलेक्ट्रोड का जो हमारा फिजिकल डायमेंशंस है उस पर कोई हमारा इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं है। स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि बोला था मैंने ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ए टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ए टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन मान लो हमें दे रहा है ए, ये वाले का जो हमारा ई है दैट वो मान लो है एक्स वोल्ट, और जो डेल्टा जी है वो है y किलो जूल पर मोल। थोड़ा सी देर लिख देता हूं, ए टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स अस ए, इसका e जो है वो है x वोल्ट, और डेल्टा g है जो मान लो वो है y किलो जूल पर मोल। अब मैं ये पूरा रिएक्शन को मान लो मेरा मन किया पता नहीं क्यों 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाले का जो हमारा E होगा वो x वोल्ट ही रहेगा, वो 3x वोल्ट जो है वो हमारा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट डेल्टा G जो है वो ध्यान दे देना, वो हमारा 3 किलो जूल
पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि वो है माइनस एन एफ ई सेल एन। अगर मेरा 3 times हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा जी जो है वो भी हमारा 3 times डेफिनेटली होने वाला है। तो सवाल यहां पर ये आता है जो किस किस चीज पर हमारा ई सेल सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। नंबर वन, टेम्परेचर, नंबर टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर थ्री नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑब्वियस बात है हमारा इलेक्ट्रोड जिंक से बन रहा है, कॉपर से बन रहा है, या फिर एफी से बन रहा है, या इनर्ट है, उन सारी बातों पे डेफिनेटली हमारा सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमारा डिपेंड करेगा। सो ये एक बेसिक थ्योरिटिकल आइडिया जो है वो तुम लोगों में यहां पर दे चुका हूं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगे वो क्या होगा, ऑल गैसेस एट प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm, जितने भी हमारे पास ये होना चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू 1 atm। कुछ जगह पे 1 bar बोलते हैं बट दैट इज प्रैक्टिकली 1 atm, ठीक है ना, 1 bar नहीं है, प्रैक्टिकली वो 1 atm है। कंसेंट्रेशन ऑफ एक्वस स्पीसीज इज इक्वल्स टू 1 molar, ठीक है, और जो हमारा फॉर सॉलिड्स ऑब्लिक लिक्विड्स होंगे दे मस्ट बी प्योर एट 1 atm प्रेशर, ठीक है। सो टेम्परेचर इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट बट वी शैल टेक इट एज ए 25 degrees Celsius। जितना भी हमारा डेटा टैबुलेटेड है वो सारे के सारे हमारा 25 degrees Celsius का ही डेटा हमारा टैबुलेटेड मिलेगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज स्टैंडर्ड स्टेट यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 25 degrees Celsius आ चुका है। तो वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, इसको मैं लिखते हैं ई नॉट ओपी और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एसएस और एसआरपी। ठीक है, और जो हमारा ई नॉट सेल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, दैट इज द ई सेल, सॉरी इनॉट सेल। सो दैट इज बेसिकली एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ई सेल बिकम्स द इनॉट सेल। ठीक है, अच्छा दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एसओपी ऑफ एनोड, SOP of cathode. So that is my Excel. ठीक है, अच्छा SRP of different quantity, different substances at a 25 degree Celsius is a tabulated in electrochemical series. You can always check the NCRT. Obviously, मैं पूरा series लिखना चालू नहीं कर दूंगा, ठीक है? Electrochemical series के बारे में बात में थोड़ा बहुत idea और लेंगे, लेकिन वो जो पूरा data है, वो data हमारे NCRT पे given है. Please go through the data, ठीक है? एक बार देखने के लिए, बट सारे जो SRPs है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे टैबुलेट कर रखा है, एंड वो सारे वैल्यूज हमारा नोन वैल्यूज होंगे, हाँ एग्जाम में दे देगा, डोंट वरी रिगार्डिंग इट। इसका वो सिंपल एग्जाम्पल है, E नॉट 2+, ये है मान लो मेरा 0.76 वोल्ट ये दिया हुआ है, या फिर ई नॉट कॉपर 2+ गिव्स यू कॉपर, वो हमें दे रखा है 0.76 वोल्ट, ये सारे के सारे जो है वो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एसआरपी दिए हुए हैं, उसको उल्टा कर लोगे, जैसे यहां पर मैंने एसओपी लिखा, दिस इज माय एसओपी एंड दिस इज माई एसआरपी, एसआरपी दिया होगा, एसओपी चाहिए होगा, उल्टा कर लेना, दैट्स इट, बहुत सिंपल सी बात है, राइट? ओके, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक ट्रिवियल क्वेश्चंस होंगे। तो मान लो हमारे पास एक सेल रिएक्शन है 2Ce4+ एक्वस, ठीक है, प्लस कोबल्ट, that is giving me 2Ce3+ a cobalt 2+ aqueous, that is the reaction that is given. ये वाले का इनॉट सेल that is given to be equals to 1.89 volt. What is given is इनॉट of cobalt 2+ gives you cobalt, that is given to be minus 0.28 volt. Find E naught. Ce 4+ to Ce3+. अच्छा यहां पर रिएक्शंस क्या क्या हो रहा है अगर हम गौर से ध्यान दें, Ce4+ प्लस इलेक्ट्रॉन Ce3+ एंड कोबल्ट गिव्स यू कोबल्ट 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। यहां पर जो आएगा दैट यहां पर हमारे पास है एसआरपी आएगा
एंड यहां पर हमारा एसओपी आएगा। अच्छा यहां पर गौर से ध्यान देना, अच्छा ये जो पहले लिखते हैं ये यहां पर गया है, ये हम बोलते हैं, तो ये बेसिकली हमें एसआरपी दिया हुआ है, ठीक है। सो एसआरपी ऑफ विच वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ, द कोबाल्ट गोज टू कोबाल्ट, दैट इज द एनोड, तो एसआरपी ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू माइनस 0.28 वोल्ट, तो एसओपी ऑफ एनोड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज इनोट, कोबल्ट गिव्स यू कोबल्ट 2+, जो पहले लिखते हो गिव्स यू हम पढ़ते हैं बीच का डंडे को, सो दैट विल बी सिंपली 0.28 वोल्ट। और हमें जो पूछा गया है वो है एसआरपी ऑफ एनोड, हमें जो पूछा गया है दैट इज द एसआरपी ऑफ कैथोड, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इनोट सेल होगा दैट कैन बी रिटन एज एसआरपी ऑफ कैथोड प्लस एसओपी ऑफ एनोड। दिस इज 1.89 गिवन, सो हम डायरेक्टली जो लिख सकते हैं दैट इज इनोट That will be 1.61 volt. काफी आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, वी हैव टू फाइंड ई नॉट सी एल टू गिव्स यू सी एल माइनस। अच्छा व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इन दोनों को ऐड करते हुए अगर मान लो मैं एक चीज ध्यान दो, पीटी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स यू पीटी, दिस इज द कैथोड एंड टू सी एल माइनस गिव्स सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एनोड। तो इन दोनों को ऐड करते हुए इनोट सेल आ गया है मेरे पास 1.25। नाउ दिस इज द दिस ऑफ एसआरपी ऑफ कैथोड, तो डायरेक्टली दे रखा है प्लस इनोट सीएल माइनस गिव्स यू सीएल टू, तो हमारे पास आ जाएगा इनोट Cl2 gives Cl minus 1.35 volt। हमें जो पूछा गया उसका, हमें एग्जैक्टली यही पूछा गया है, खैर तो फिर प्रॉब्लम इज सॉल्व है, ठीक है। नहीं सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, सॉरी इनोट Cl minus gives you Cl2 is this। हमें जो पूछा गया है वो एग्जैक्टली इसका उल्टा पूछा गया है, यानी हमें SRP पूछा गया है, तो हमारे पास आ जाएगा इनोट Cl2 gives you Cl minus will be 1.35 volt. Okay?